दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विक्रम और स्वागत करता हूँ आपको यू इन्फो फैक्ट्स चैनल पे, जहाँ पे आप हर रोज और हर बार एक नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपके पास आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब कभी भी आंखें बंद करते हो तो आपको कौन सा कलर दिखता है, तो आप कहेंगे कि हमें तो ब्लैक दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कलर आप आंखें बंद करते वक्त देखते हो उसका कलर ब्लैक नहीं होता है। उसका भी एक स्पेशल नेम है। जी हाँ, उसका नेम आइगन ग्रो है, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसे इंट्रिंसिक ग्रे भी कहा जाता है, और इसे आइगन लिक्ट भी कहा जाता है, जो कि डच और जर्मन में इंट्रिंसिक लाइट यानी फिक्का लाइट को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कलर जो कि आइगन ग्रो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के एब्सेंस में ही दिखती है। और इस कलर का डिस्कवरी 19th सेंचुरी में हुआ था, और उस वक्त तो इस कलर का बहुत ही ज़्यादा यूज होता था। लेकिन फिलहाल में साइंटिस्ट का मानना है कि इस कलर का कोई भी ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो अब आप ये सवाल करेंगे कि लाइट के एब्सेंस में तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि कोई कलर भी नहीं दिखनी चाहिए, तो फिर ये आइगन ग्रो कलर क्यों दिखता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका मेन कारण होता है रॉड सेल्स। जी हाँ, हमारे आँखों के रेटिना के आउटर लेयर के एज में होते हैं ये रॉड सेल्स, और ये एक बहुत ही लो लाइट फोटो रिसेप्टर है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। और इनकी वजह से हमारे आँखों तक बहुत ही फिक्का लाइट यानी कि लो लाइट भी पहुँच सकती है, इस वजह से हमें ये कलर दिखता है। और एक ह्यूमन के रेटिना में लगभग 92 मिलियंस रॉड सेल होते हैं जो कि नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें बहुत ही फिक्का से फिक्का लाइट देखने को मिलता है। और आपने कई बार ये नोटिस की होगी कि आपको रातों में भी बहुत कुछ दिख जाती है, और इनका एकलौता कारण सिर्फ और सिर्फ यही रॉड सेल्स ही है। इनकी वजह से ही हम रातों में या फिर अंधेरे में देख पाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को देखा है जिसे बार बार सांप ने काटा हो लेकिन फिर भी वो जिंदा रहे और सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड बना दे। तो चलिए आज मैं उस शख्स से आपको मिलवाता हूँ। जी हाँ, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये तस्वीर, इनका नाम बिल हास्ट है। इनका जन्म सन 1910 30 दिसंबर को हुआ था, और ये 1947 से लेकर 1984 तक मियामी सरपेंटियम जो कि फ्लोरिडा मियामी में और टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी है, वहाँ के ओनर और ऑपरेटर रह चुके हैं। ये वहाँ पर सांपों के वेनम निकालते थे और कस्टमर आकर देखते थे और पे भी करते थे। लेकिन जब इनका मियामी सरपेंटियम जो कि फ्लोरिडा में है वो बंद हो गया, तो इन्होंने अपना खुद का सरपेंटियम लेबोरेटरी खोला पुंटा गोर्डा में, फ्लोरिडा के ही पुंटा गोर्डा में इन्होंने अपना लेबोरेटरी खोला, और वहाँ पे ये सांपों के वेनम निकालते थे और मेडिकल्स और रिसर्चर्स को दे देते थे ताकि कुछ उनको हेल्प किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बचपन से ही सांपों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और सांपों के वेनम बचपन से ही निकालते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनके इस प्रोफेशन में लगभग 172 बार यानी कि 172 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और वेनमनस सांपों ने काटा, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहे, और इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। और सबसे खास बात तो ये भी है कि ये पूरे 100 साल तक जिए। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।